बिहार के सासाराम में फुटपाथ दुकानदारों ने वन प्रमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा माले नेता अशोक बैठा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने डीएफओ को चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ये पूरा मामला प्राचीन तुतला भवानी मंदिर का है, जहां दुकानदार फुटपाथ पर दुकान लगाते थे और कैमूर पहाड़ी की तलहटी में तुतला भवानी मंदिर के आसपास वर्षों से फूल माला व प्रसाद की दुकान लगाते आए हैं, लेकिन उन दुकानदारों को वन विभाग के अधिकारियों ने हटा दिया था, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। घोड़ा से असूली अवैध किया जाता है, पूजा पाठ के नाम पर अवैध असूली किया जाता है। ये वन विभाग एक जो है अपना जो है गिरोह बना लिया है और पूरा जो है गिरोह बना के लूट रहा है। विकास के नाम पर भी बहुत पैसा आता है, जो है वन विभाग का जो है आपको पौधारोपण का है, ये सब ठिका पर जो है ठेकेदारों को दे के ये पूरा लूट का धंधा मचाए हुए हैं। हम लोग लगातार इनका विरोध करते आ रहे हैं। आज जो है ये इन दुकानदारों को उजाड़ रहे हैं। हम आप देख लीजिए, वहाँ जो है धाम नष्ट हो जाएगा, धाम पर जाना बंद हो जाएगा लोगों को, ये जो तंग कर रहे हैं। वहाँ जो है प्रसाद और जो है फूल 2.5 किलोमीटर फिर पैदल आके और फिर जाएगा, जो स्नान करने का वहाँ झरना है, नदी है, लोग जाते हैं जो है प्राकृतिक जो है नेचुरली जो है वहाँ मिलने जो है आपको झरना से और जो है आपको जो है नदी से स्नान करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो मंदिर में जाके पूजा करते हैं। अब बताइए कि वहाँ से अगर दुकान हट जाएगा, 2.5 किलोमीटर पीछे आएगा, फिर वो आके और ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब धाम 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।